जो पशु पक्षी बनाए गए उनमें पांचों तत्व नहीं है और न बुद्धि है न विवेक है, केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश इन पांच तत्वों से बनाया और इसी में बुद्धि और विवेक है। देखो बैल से लोग जुताई करते हैं तो बैल को सिखाते हैं, उनकी आदत डालते हैं, उनको कासन बोलते हैं, उसी हिसाब से वो चलते हैं। कुत्ते को सिखाते हैं, कुत्ते को दौड़ाते हैं, कुत्ते को भगाते हैं, कुत्ते को टट्टी पेशाब करना तक सिखाते हैं। बंदर है, बंदर को गोली चलाना तक सिखा देते हैं। बंदर बड़ा होशियार होता है, बहुत जल्दी कोई काम को सीख जाता है, देख करके भी सीख जाता है। वो बता रहे थे मैं दाढ़ी बना रहा था और रख करके ऐसे रेजर रख करके और चला गया ब्रश को धोने के लिए, तब तक बंदर वहीं बैठा देख रहा था और आया उसको उठाया और उसे बनाने लगा ऐसे। और जब कटा और दर्द हुआ तो छू 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 बोले और सूंघे उसको, लेकिन बनाना ना बंद करे ऐसे। अब वो उसको बनाना तो आता नहीं था, बहुत जल्दी सीख जाते हैं बंदर, बहुत जल्दी इशारा समझते हैं। तो उनको सिखाना पड़ता है क्योंकि बुद्धि नहीं होती है, लेकिन मनुष्य अपने बुद्धि से काम करता है, उसके बुद्धि होती है, विवेक होता है, ज्ञान का भंडार होता है, मनुष्य के अंदर ज्ञान का भंडार होता है। अब ये जरूर है कि जिस तरह से आप देखो ये वैज्ञानिक शोध करते हैं तो शोध करते करते नई चीज़ को पा जाते हैं। अब यह है कोई चीज़ शोध करके जब पा जाते हैं सीख जाते हैं तो उसको और लोगों को सिखा देते हैं, तब फिर उसके शोध की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। अगर जानकार कोई मिल जाए, आध्यात्मिक ज्ञानी मिल जाए, तो जहाँ से ये सारा विज्ञान उतरा है नीचे, वो अगर ज्ञानी इस तरह का मिल जाए तो ये विज्ञान में भी आदमी तरक्की कर जाए, क्योंकि पहले के विज्ञान के आगे ये विज्ञान सब फेल है। देखो आप जिस समय हवाई जहाज से लोग चलते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, कहते हवा में उड़ता हूँ, लेकिन बगैर पेट्रोल के नहीं चलता है। हनुमान जी देखो उड़ करके चले गए, वो भी तो कोई विज्ञान था। संजीवनी बूटी लेने के लिए जब गए थे, पहाड़ उठा करके लाए थे, तो कोई हवाई जहाज पर बैठ कर तो गए नहीं, उड़ करके गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि 84 लक्ष योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, यहाँ तक कि देवी और देवताओं के अंदर भी वो रास्ता नहीं है कि जो मनुष्य शरीर के अंदर है उस मालिक से मिलने का।
जन्म मरण से छुटकारा पाने का। अब सब कुछ होते हुए भी सब कुछ इतना पावर और इतनी शक्ति और इतनी विशेषता इस शरीर को देते हुए उसने बनाने वाले ने ऐसा नियम बना दिया कि इसको काली करना पड़ेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए जो चीजें बनाई, इसके पालन पोषण के लिए जो चीजें बनाई वो तो रह जाती हैं। मकान रह जाता है, जमीन जायदाद रह जाती है, गाड़ी घोड़ा रह जाता है, लेकिन शरीर छूट जाता है। यह धरती का ऐसा विधान बना दिया कि जो यहाँ आता है मनुष्य शरीर में उसको छोड़ के जाना पड़ता है। जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, ऐसा नियम बना दिया, विधान बना दिया। अब यह भी देखा गया कि वो अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई ये कहता है भगवान ने हमको मार दिया या हमारे लड़के को मार दिया, पिता को मार दिया। पूछो भाई कैसे शरीर छूट गया, क्या बात हो गई? तो कोई कहता है कि पेट में दर्द हुआ, पेट के दर्द से खत्म हो गया। कोई कहता है दस्त से खत्म हो गया। कोई कहता टीबी हो गई, कैंसर हो गया। कोई कहता मार दिया उन्होंने, कोई कहता पेड़ से गिर के। ये कोई थोड़ो कहता है कि भगवान ने मार दिया, काल ने मार दिया। बहाना बनाता है, जा रहे थे ना, बहाने से जा रहे थे महात्मा। तो लड़के मार रहे थे किसको, स्याही। स्याही एक चिड़िया होती है, उसमें उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो उस पर लठ मारो तो उसको लगता नहीं है, कांटे इतने मजबूत होते हैं स्याही के। तो उसको मार रहे थे, तो वो जा रहे थे साधु। साधु ने देखा तो उन्होंने कहा स्याही मरे मूड़ के मारे। अब हम संतन को का परी बता दिया, मूड़ माने सिर, सिर पर मारोगे तब ये मरेगा, लेकिन हमसे क्या मतलब? हम तो जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? ये हमसे कोई मतलब नहीं है कि मरे या जिए, ये क्या हो, लेकिन स्याही मरे मूड़ के मारे। अब वो लड़के समझ गए कि मूड़ पर मारेंगे तो मरेगा। ऐसे ही बहाना वो जा रहा था ना, आदमी जंगल में से जा रहा था तो देखा एक सांप निकला। सांप निकला और धीरे 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 से चला। आगे एक नदी थी, नदी में कूद गया सांप। अब आदमी वो खड़ा देख रहा है, उधर एक नाव अनी आ रही थी, उसी नाव पर चढ़ गया। अब नाव पर जब सांप चढ़ा तो आगे के आदमी ऐसे पीछे की तरफ गए, पीछे की तरफ, सांप से जान बचाने के लिए कहीं काट न ले। और जैसे पीछे की तरफ गए वह नाव पलट गई, बस डूब करके उसमें से मर गए। अब सांप उसमें से उतरा, नाव में से उतरा और उतर करके बस तैर करके गया। अब यह आदमी भी यानी पूरा तैरना जानता था, तैर करके यह भी गया और देखा कि सांप जा रहा है, ऐसे जा रहा है। थोड़ी ही दूर पर यानी नदी के उस पार में एक कुआं था। कुएं के पास पहुँचते पहुँचते यानी वो सांप एक औरत बन गया। औरत वो सांपिन थी, नागिन थी वो, यानी समझ लो कि औरत बन गई। अब औरत बन करके सुंदर औरत, बढ़िया कपड़ा पहने हुए, यानी वो वहीं बैठ गई। अब आदमी दूर से देख रहा है कि ये क्या करती है। तब तक देखा दो भाई फौज में नौकरी करते थे, तो छुट्टी पर घर जा रहे थे। पैदल उस समय लोग चलते थे, सवारी का इतना साधन था नहीं। कुएं जगह जगह पर होते थे पानी पीने के लिए, और उस कुएं में अन्य लोग अन्य कोई बर्तन बाल्टी वगैरह अन्य रस्सी में बांध करके रख देते थे। कोई भी उधर से जाए तो पानी भर के पी लेता था, हाथ पैर धो लेता था और फिर पैदल चलता था। हाथ पैर धो लेने से थकावट दूर हो जाती गर्म पानी से, यानी जो कोई दो चार कोस पांच कोस पैदल चल के आता था तो गर्म पानी से पैर धोते थे। कब बहुत थके हुए हो और एक परात में पानी रख लो और थोड़ी देर उसी में पैर रखे रहो और ऐसे धो लो, पैर थोड़ी देर तक धोते रहो तो थकावट उतर जाएगी। कहते हैं ना कि थोड़ा नहा लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगा, कहते हैं ताजगी आ जाएगी। अब आप समझो कि अन्य वहाँ पर वो दोनों पहुँचे, दोनों अन्य सिपाही पहुँचे। अब औरत को जब देखा तो देखते ही रह गए, बहुत सुंदर थी। अब वो उठ करके आई और फिर वहीं खड़ी हो गई, बातचीत होने लग गई।
अब जब जो है पूछा उन्होंने कि कहाँ कहाँ रहती हो, कहाँ जाओगी, तो बताई कि इधर से जा रही थी, तो छाया थी पेड़ की, तो बैठ गए, अब पानी पूनी पी करके आगे जाएंगे। तो एक भाई ने कहा, पूछा, कहा कि यहाँ कोई दुकान है, कहीं मिठाई मिलेगी? तो कहा हाँ मिलेगी, चले जाओ, ये सामने गांव दिख रहा था। तो एक भाई तो चला गया वहाँ मिठाई लाने के लिए, और दूसरे भाई से बातचीत करने लगी। बातचीत करने लगी तो दोनों से थोड़ी ही देर में आने समझ लो कि प्रेम हो गया, प्रेम हो गया बड़े भाई से। अब जब वो छोटा भाई लेकर के मिठाई आया और कहा लो आप भी ले लो, उसको जब बड़ा भाई देने लगा तब कहा कि जो है ये ठीक नहीं है, इसके आगे एक दुकान और बढ़िया दुकान है, वहाँ बढ़िया मिठाई मिलती है, बड़ी दुकान है, वहाँ पर इनको जाना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ठहरो मैं जाता हूँ। अब वो गया मिठाई लेने के लिए, जब वो गया और तब तक इससे बात करने लग गई, अब इससे प्रेम हो गया। अब वो जब आया तो जब देखा तो गुस्से में आ गया। अब उसने इससे कह दिया, बड़े भाई से और ने कह दिया, कहा इनकी देखो हमारे ऊपर गलत नज़र हो गई, और हम तो आपसे शादी करने वाले थे, हम तो आपके साथ चलने वाले थे, और देखो इन्होंने नज़र हमारे ऊपर डाल दिया। और बस वो जो है वो छोटा भाई उल्टा सीधा औरत को कहने लग गया। अब जब उसने सुना कि हमारे साथ सुंदर औरत चलने वाली थी, तो बस अब लड़के के ऊपर बिगड़ गया और उसको थप्पड़ मारा और गाली गलौज होने लगा। अब बस उसके बाद में हथियार तो उनके पास था ही, बस एक दूसरे को मार दिए, एक दूसरे को मार दिए, ख़त्म हो गए। और फिर वहाँ से चली औरत, औरत थोड़ी दूर जाने के बाद बस एक पंडित जी बन करके ऐसे बैठ गई है पेड़ के नीचे, तिलक तिलक लगा करके ऐसे वैसे। अब उस आदमी ने कहा भाई देखो तीन जगह इसका देखा, तीन रूप, अब पूछा जाइए कौन है। तो पूछा, कहा कि महाराज आप बताओ कौन हो, मैं आपके तीन रूप को देख चुका हूँ जंगल से, जब से निकला हूँ वहाँ से चला हूँ उधर, जब से आप निकले हो आप कौन हो। तब उन्होंने कहा पंडित जी ने कि मैं काल हूँ, काल, कहते हैं ना हिल्ला रोजी और बहाने मौत, यानी कोई ना कोई बहाना हमसे ही मौत आती है, आदमी मरता है। तो अब आप ये समझ लो कि वो सबकी आनी है, मौत तो सबकी आनी ही आनी है, मौत को ही आदमी जब भूल जाता है तब वो दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाता है, और मौत जब याद रहता है तब आप समझ लो कि सोचता है, यानी कुछ परमार्थ के लिए भी सोचता है, परमार्थ करने के लिए भी सोचता है, इस खाने पहनने के अलावा कुछ और ज्ञान अर्जित करना चाहता है। तो इसीलिए देखो नियम बना दिया गया था, 15वें दिन महीने में एक बार तो आश्रमों पर लोग जाते ही थे सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुनते थे तो हर तरह की जानकारी रहती थी। जब से सत्संग सुनना लोगों ने बंद कर दिया तब से बस केवल खाओ पियो मौज करो बस, यानी आगे का कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जो आगे का सोच रहे हो, आपको गुरु महाराज का सत्संग मिला, गुरु महाराज का सानिध्य मिला, आपको गुरु महाराज ने अपनाया, आपको नाम दान दिया, आपके अंतरात्मा की सफाई किया, क्योंकि अंतरात्मा की सफाई के बगैर यानी कितनी भी बढ़िया चीज हो, कितना भी बढ़िया नाम हो, हाँ तो वो वहाँ टिक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। अब आप इस बात को चतुष अंतःकरण अन्य में कर्म जमा होते हैं,
अच्छाई और बुराई जो इंसान करता है वो सब चतुर्संध का कारण जमा होती है, और जब वो जमा हो जाते हैं तो फिर ये जो रास्ता है जीवात्मा के निकलने का इस शरीर से वो बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है तो ऊपरी लोगों को देख नहीं पाता, और ऊपर में मालिक जहाँ रहता देवी देवता जहाँ रहते हैं वो देख नहीं पाता है, तो उसको अंतरात्मा के कर्मों को साफ करना पड़ता है, तो धुलाई करनी पड़ती, सफाई करनी पड़ती है, तो वो कौन करता है? उसके लिए पलटू साहब ने कहा कि रविया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बह जाए निर्मल पानी। इस बात पर बड़ा विवाद हुआ। गुरु महाराज जगह जगह जब कहने लगे कि मैं धोबी, और दो चार जगह जब कहे लोग तो जो सवर्ण लोग थे ब्राह्मण के हम ही लोग कहते थे कि धोबी चला हो गई है, अरे तुमको कोई नहीं मिला? अयोध्या में एक से एक विद्वान और काशी में पंडित, और तुमको धोबी मिल गए चेला, तुम धोबी चेला बन गए, हमको खुद लोग कहते थे। तो उस समय बड़ा प्रचार हुआ, शुरू में इस बात का बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन अब इस बात को भी आप समझ लो कि ऐसे प्रचार करने पर कोई चीज़ प्रचार में नहीं आती है ऐसे, और जब कोई चीज़ ऐसी बोल दी जाती कहा ना कि मुर्शिद चाहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, तो मुसल्ला किसको कहते हैं? मुसल्ला कहते हैं जिस पर बैठ करके नमाज अदा करते हैं, और मुर्शिद किसको कहते हैं? जो गुरु होते हैं। तो उसने कहा कि जाओ इस बात का प्रचार कर, इस बात का प्रचार कर दो कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। हाँ डुबो समझ लो कि बिजली की तरह से आवाज़ आनी फैल गई, जैसे करंट फैलता है लगता है ऐसे लगा लोगों, और जब लगा और काजी ने जब बादशाह ने बुलाया और काजी ने ऐतराज किया तो अन्य फकीर के पास भेज करके और उसको उन्होंने स्पष्ट करा दिया, तब उनके समझ में आ गया कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, क्योंकि मुर्शिद जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो वर्तमान भविष्य अन्य सब देखते हैं। तो ये जो महात्मा होते हैं संत होते हैं ऐसी बात बोल देते हैं फिर उसी की चर्चा शुरू हो जाती है, उसी में उलझते रहो, अब उलझते रहोगे जब रिसर्च करते रहोगे हाँ तो उसी में से रास्ता मिल जाता है। तो पहले तो यही कहा कि मैं धोबी, अब बड़ा प्रचार हुआ इस बात का, और उसके बाद में यानी फिर बोलने लग गए लेकिन बच्चा मैं जात का धोबी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे खानदान का हूँ कि एक बार अन्य मुर्गी उड़ करके ऐसे हमारे ऊपर से अन्य निकल गई थी, तो मेरी माँ ने मुझको नहलाया था हाँ कि देखो ये मुर्गी ऊपर से चली गई छू गया ये, और ये देखो उसका शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन मैं अंतरात्मा का यानी धोने वाला धोबी हूँ, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा को साफ कर दूंगा, निर्मल कर दूंगा, बर्तन को साफ कर दूंगा। बर्तन जब साफ हो जाता है और उसमें कोई चीज रखी जाती है तब वो खराब नहीं होती है। बहुत दिन तक इस बात की चर्चा होती रही, बहुत सा प्रचार तो इसी बात पर हो गया। जय गुरुदेव नाम यानी कहा भगवान परमात्मा का जब नाम का प्रचार गुरु महाराज ने करवाया हाँ तो यही लोग कहने लग गए राम थे कृष्ण थे तमाम भगवान थे, अब ये जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए? जय गुरुदेव नाम परमात्मा का उस समय प्रचार जब गुरु महाराज ने करवाया, तो अब आप इस बात को समझो कि अंतःकरण को भी आपके धोया साफ किया, एक बार तो उन्होंने साफ कर दिया नामदान देने के बाद, लेकिन आप उनकी बातों को जब नहीं माने तो वो गंदा हो गया, गंदगी आती गई और सफाई नहीं हुई। जैसे घर में यानी समझ लो कि झाड़ू अगर रोज लगाते रहो तो गंदगी नहीं इकट्ठा होती है, और झाड़ू लगाना जब बंद कर देते हो तो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, कूड़ा करकट धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से अमीन जब सुमरन नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, वजन नहीं हुआ तो गंदगी इकट्ठा हो गई, आप यह मन जो है वो गंदा हो गया, गंदगी का आदि हो गया, और जब इतना आदि हो जाता है तब जो है अन्य समझ लो कि फिर अच्छी चीज को पसंद नहीं करता, अच्छी चीज को नहीं पसंद करता है। तो मैं कहा ना किससे कहा, और जो सुबह सुबह उठते हैं लंबे सूंड वाले लंबे मुँह वाले उठते हैं ना,
क्या खाते हैं? टट्टी। तो उनसे पूछा, कहा कि स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग। तो कहा कि स्वर्ग, तुम्हारे स्वर्ग में ये बिस्तर मिलेगी, ये टट्टी मिलेगा? तो कहा टट्टी तो नहीं मिलेगा। तब कहा तब नहीं जाएंगे। स्वर्ग में क्या मिलेगा? तो कहा बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, बहुत अच्छा रहने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा, चलो वहाँ स्वर्ग चलो। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में ये टट्टी मिलेगी? कहे वहाँ तो नहीं मिलेगी। तो कहा तब नहीं जाएंगे। थोड़ा से मन ये आदि हो जाता है, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने का आदि हो जाता है। तो जब यह आदि हो गया तो भाई ये धीरे 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 उधर से हटेगा, धीरे धीरे हटेगा, धीरे 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 हटेगा। अब वो ये देखेगा कि ये तो नहीं हट रहे हैं, ये तो अपने घाट से तो नहीं हट रहे हैं, ये अपने संकल्प से तो नहीं हट रहे हैं। अगर आप हट जाओगे तो फिर वो क्यों हटेगा उधर से? और अगर आप नहीं हटोगे, आप लगे रहोगे कि तू अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा, तो मैं अपनी करनी से क्यों बाज आऊं? तो लगे रहोगे तो कात से रगड़ जब करे जो कोई अनल प्रकट चंदन के होगी। अन्य समझ लो कि इतना शीतल अन्य होता है अन्य चंदन, लेकिन रगड़ते रहो रगड़ते रहो तो उसमें भी आग निकल आती है। इसलिए रगड़ते रहना है, रगड़ते रहना है। अरे कितना तू भगेगा, भाग ले तू अपना, भाग ले जितना भागना है, हमको तो उठना ही नहीं है। तो कहा ना कि मन भगता है तो भगने दे, अर्जुन का राख शरीर, शरीर को रोक करके रखो। शरीर जब रुका रहेगा तो भगते भगते रुकेगा, और रुकेगा तो काम हो जाएगा। देर लगती है तो पल में परलय होते है, पल भर में लय हो जाओ, देर नहीं लगती है। बुल्ला साहब संत थे, खेत में रोपाई कर रहे थे। एक आदमी ने कहा भगवान कितनी देर में मिलता है? तो एक पौधे को निकाला और दूसरे तरफ लगा दिया, कहा इतनी देर में। लेकिन कबीर साहब ने यह भी कहा कि हंसे कंठ न पाइया, अर्जुन पाया तीन रोए, और हंसे खेले जो क्यों मिले तो कौन दुहागिन हुए। कहा हंस हंस करके हनी वो नहीं, उसको नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको पाने के लिए दो गुण आंसू अगर निकल आया तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब पर्वत। अनिल वो आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाता है। अब देखो द्रौपदी का चीरहरण जब होने लगा द्रौपदी का, तो पहले तो हाथ से साधु पकड़े रही, हाथ थक गया, पैर से दबाए रही, पैर भी थक गया, तो ऐसे ऐसे कोहनी से दबाए रही, वो भी थक गया, तो दांत से दबाई और दांत भी थक गया। तब बोली द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, बस द्वारिकाधीश कृष्ण आ गए। अब देखो महापुरुष शिक्षा देते हैं, महापुरुष ज्ञान कराते हैं, वो अगर चाहते हैं तो चक्कर चला देते हैं और वो दुशासन खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसको थका थकाया, थका करके हराया, उसको थका करके सारी ही बढ़ा दिया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की, सारी बढ़ती चली गई। अब खींचते खींचते जब थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, तब द्रौपदी ने कहा प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया, आपने मेरी लाज बचाई, लेकिन देखा कि पैर से खून निकल रहा है तो दौड़ करके गई और तलवे को ऐसे पलट करके देखा तो उसमें कांटे चुभे हुए थे। तब बोली कि आपने जूता नहीं पहना, आप नंगे पैर दौड़ करके आ गए। तब कृष्ण ने कहा द्रौपदी तेरी करुण आवाज पर मुझे जूता पहनने का मौका था, मुझे अंकुश पहन करके आने का मौका था, मैं तो तुरंत चल पड़ा, क्योंकि करुण आवाज को देख करके देखो माँ भी सब काम छोड़ करके बच्चे के पास पहुंच जाती है। अगर बच्चा चारपाई से नीचे गिर जाए तो रोवे तो तुरंत दौड़ती है, कोई बात हो जाए तो तुरंत दौड़ती है, आवाज को पहचान लेती है। अब करुण आवाज जब तक अन्य नहीं होगी तब तक वो भूलेगा भी, आवाज तो लगाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज दया करो, और गुरु महाराज दर्शन करा दो, गुरु महाराज दर्श दिखा दो और ये कर दो, लेकिन वैसा भाव नहीं बनता है।
वो भाव नहीं बन पाता। भाव और वो आवाज अगर हो तो देर नहीं लगता है उसको मिलने। वो माने दूध पिला करके तेल वेल लगा करके बच्चे को लेटा दिया खीर बनाने, लेकिन बच्चा गिर गया चारपाई से नीचे, गिरा तो रोया, जैसे रोया तो सब खीर फिर छोड़ के माँ आई, चूमा चाटा, मिठाई खिलाया, खीर खिलाया। और दूसरे दिन लड़के ने सोचा कि रोने से खीर और मिठाई और क्या क्या चीज़ देखो मिल गई, कितना प्यार मिला माँ का, तो लाओ आज और तेज रो में। बस चारपाई से नीचे ऐसा लुढ़क गया और लुढ़क करके रोया। अम्मा उस दिन बर्तन धो रही थी, नहीं उठी, फिर और तेज चिल्लाया, मैं तो मर गया, अम्मा जल्दी करो दौड़ो, ये नहीं उठी, दो तीन बार चिल्लाया उठी ही नहीं। फिर धीरे धीरे गया और ऐसे पीठ के ऊपर ऐसे यानी लेट करके और कान के पास ऐसे बोला, कहा कल तो तुम मेरी ये कही आवाज पर दो पड़ी थी मुझको, उठाया चूमा चाटा मिठाई खिलाया और आज मैं कई बार चिल्लाया लेकिन नहीं आई, क्यों नहीं आई? तब माँ धीरे से बोली कि कल वाली आवाज आज नहीं थी। ऐसे आवाज जब तड़प की होती है कभी रुक नहीं पाते हैं महापुरुष या महात्मा या संत सद्गुरु। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तब फिर शंका हो गई, किसको? कृष्ण के ऊपर द्रौपदी को, कि लोग कहते हैं कृष्ण अंतर्यामी हैं और जहाँ याद करोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे, तो ये द्वारिका से चल करके यहाँ क्यों आए, यहीं क्यों नहीं प्रकट हो गए? तो अब आप इस बात को समझो कि जब शंका हो जाए तो उसका समाधान कर लेना चाहिए, और नहीं तो शंका नाश कर देता है। घर को शंका ही नाश कर रहा है, समाज को शंका ही देश को नाश कर दे रहा है, दोस्ती शंका ही खत्म कर दे रही, रिश्तेदारी शंका ही खत्म कर दे रही है। शंका बड़ी बुरी बला है, शंका अगर हो जाए तो उसका समाधान करना चाहिए। तो शिष्ट लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग होते हैं, तुरंत समाधान करते हैं। तो तुरंत समाधान करने की कोशिश किया उसने। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु आप बताओ कि आप इतनी दूर द्वारिका से नंगे पैर चलकर क्यों आए? आपको लोग कहते हैं कृष्ण अंतर्यामी हैं, जहाँ याद करो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तूने ही तो कहा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, अगर तू ये कहती कृष्ण बचाओ तो मैं तो यहीं प्रकट हो जाता। तब कहा भाव के प्रकट होने में जाना, भाव से भक्ति और भक्ति से मालिक मिलता है, तो भाव अच्छे होने चाहिए, गुरु के प्रति भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो गुरु तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। वो देखो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन जब अपने कर्मों से अलग हो जाता है तब तकलीफों का आना लाजमी है, स्वाभाविक है। इसलिए यानी कर्म खराब न हो उन्हीं से दया मांगनी है, मन भी रुकर उन्हीं से दया मांगनी है, कृपा कर सूरज चढ़ने लग जाए उसके लिए उन्हीं से दया मांगनी है, मुक्ति मोक्ष जो कुछ लेना देना है वो सब उन्हीं से लेना देना मांगना है। उनको अगर समर्पित हो जाएं, सदगुरु को समर्पित कर दें, तन मन धन जब सब कुछ अर्पण कर दें तो उसी से काम बन जाएगा। केवल आप समझ लो है कि भक्ति ही आ जाए, गुरु भक्ति ही आ जाए, तो कहा सोना काई न लगे और लोहा गुण में खाए, और बुरा वाला जो गुरु भगत कबहु नरक न जाए, कभी भी नरक नहीं जा सकता है। तो बोलो जय गुरुदेव।